हेलो दोस्तों, हमारे देश इंडिया में जो हम नोट यूज करते हैं यानी करेंसी जो यूज करते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, इन करेंसियों को बनाने पर सरकार को कितना खर्च आता है, यानी जब RBI इन नोटों को छापता है, प्रिंट करता है, तो इन पर प्रति नोट के हिसाब से कितना खर्च आता है, यानी एक नोट को बनाने में कितना खर्च आता है। चलिए आपको बता देता हूँ। 10 रुपये के नोट को बनाने के लिए 1 रुपया 0.1 पैसे खर्च आता है। 20 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 1 रुपया खर्च आता है। 50 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 1 रुपया 0.1 पैसे खर्च आता है। 100 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 1 रुपया 51 पैसे खर्च आता है। 200 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 1 रुपया कुछ पैसे इस पर खर्च आता है। और 500 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 2 रुपये 57 पैसे खर्च आता है। और 2000 रुपये वाले नोट को बनाने के लिए 4 रुपये 18 पैसे खर्च आता है। लेकिन इनकी वैल्यू इतनी होती है जिनका इनको ऊपर प्रिंट किया जाता है। जैसे रुपये 10 रुपये वाला 10 रुपये में चलता है, 2000 रुपये वाला 2000 रुपये में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन नीचे दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर जानकारी और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।